हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता और आप देख रहे हैं डेली बस इंडिया। सोनू सूद के यहाँ इनकम टैक्स के चल रहे सर्वे की जानकारी तो आपको होगी ही, पर ये जो आईटी का सर्वे बताया जा रहा है वो सर्वे कम बल्कि छापा ज्यादा लग रहा है। और ऐसा हम नहीं बल्कि सोनू सूद के करीबी दोस्त का कहना है, जिसे एक लीडिंग टैब्लॉइड से बात करते हुए बताया है कि ये तो होना ही था, क्योंकि हाल ही में सोनू सूद की जो पॉलिटिकल मूवमेंट रही ये उसी का सिला है। कल सुबह यानी कि बुधवार को इनकम टैक्स के अधिकारी सुबह 10:30 बजे आ धमके थे और शाम 6 बजे तक उनकी मौजूदगी थी। मीडिया में तो कहा गया कि ये सर्वे था, मगर असल में ये बकायदा रेड थी। और ऐसे में ये बात सुनकर सोशल मीडिया पर सोनू सूद को अपना भगवान समझने वाले उनके फैंस भड़क उठे हैं और उनका कहना है कि गरीबों की मदद करने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है। बता दें, इस रेड के पीछे की सबसे बड़ी वजह सोनू सूद की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बीते दिनों हुई मुलाकात को बताया जा रहा है। बता दें, जब से सोनू सूद के ऑफिस और उनके घरों पर आईटी का छापा पड़ा है, तभी से उनके और उनके घर के हर सदस्य का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते दिन से लगातार सोनू के ऑफिस और घर में कार्रवाई जारी है। कल सुबह से लगातार इन जगहों पर आईटी की टीमों ने अकाउंट बुक्स, इनकम, सेल्स, प्रॉफिट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की है। सोनू सूद पर फूटे मुसीबतों के पहाड़ से उनके फैंस भी काफी परेशान हैं। कल सुबह से सोशल मीडिया पर सोनू सूद ट्रेंड कर रहे हैं। एक्टर के घरवालों से लेकर उनके स्टाफ तक से आईटी टीम ने पूछताछ की है। साथ ही आईटी अधिकारी कई कागजात को लेकर भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। कोरोना काल में सोनू सूद गरीबों के मसीहा बन गए थे। गरीबों की मदद से लेकर उनके रोजगार तक का जिम्मा सोनू ने अपने सर पर उठा लिया था। अपने काम, अपनी पहचान और अपने दरिया दिली वाले स्वभाव के चलते लोग उन्हें खुदा समझ बैठे थे। जहां कोरोना काल में सभी सितारे घर से वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, तो वहीं सोनू सूद सड़क पर उतरकर लोगों को उनके घर तक पहुंचा रहे थे। इसके बाद ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि वह राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। कोरोना काल में जिस तरह बेड से लेकर अस्पताल, ऑक्सीजन से लेकर खाने तक का इंतजाम कर रहे जरूरतमंदों की मदद की, उससे भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वह राजनीति में आ सकते हैं। हालांकि सोनू सूद ने इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया था। लेकिन भले ही सोनू सूद ने साफ कर दिया है कि वह आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, इसके बाद भी उनकी मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। और हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद का साथ देते हुए ट्वीट किया है कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। 48 साल की उम्र में लोगों की दुआ और प्रार्थनाओं में सोनू ने अपना नाम जोड़ लिया है। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में जगह बनाना तो एक बात है, लेकिन लोगों के मंदिरों में सोनू की फोटो दिखना और उन्हें पूजा जाना काबिले तारीफ है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही एंटरटेनमेंट की तमाम खबरें पाते रहें।